जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा और एसपी आशुतोष गुप्ता ने किया जिले का दौरा। झाबुआ जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। गुरुवार को रात्रि में 19 पॉजिटिवों की जैसे ही खबर मिली, जिले में हड़कंप मच गया। 19 पॉजिटिव में 8 पारा, 6 खच्चर तोड़ी, 2 तांदला, 2 राणापुर, 1 समोई। स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा व पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने थानला का दौरा किया, जिसमें 2 नए केस, 1 ऋतुराज कॉलोनी और 1 पूर्व कंटेनमेंट जोन पार्श्वनाथ मार्ग में जाकर कंटेनमेंट क्षेत्र को पूर्ण करवाया। कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने अपनी बात कहते हुए जिले की जनता से अपील की कि यदि ऐसी स्थिति चली, प्रशासन के नियमों को यदि जनता नहीं मानती है तो प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा और नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखें लोग, है ना। वो तो खुद ही इधर उधर जा रहे हैं, और जो एक बहुत साधारण सी बात है कि एक मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, और यदि कुछ बाय चांस ऐसा लगता है किसी को छू लिया है तो अपना ठीक से नहा लें, सैनिटाइज हो लें। तो ये तो पालन हर व्यक्ति को करना है। आप यदि कहते हैं कि इसमें इस सब के बावजूद हो रहा है तो सख्ती और बढ़ा देते हैं, फिर उसमें भी कई लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है। यदि नहीं होगा और बढ़ेगा, लॉकडाउन की बातें शुरू हो जाती हैं, सही है। तो वो भी लोगों को तकलीफदायक होता है। तो मेरा तो लोगों से ये अपील है कि वही इस चीज़ का अपना संयम रखें, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई लोगों को देखा है कि सिर्फ बाज़ार घूमने आने का एक शौक है कि एक बार बाज़ार में आके कुछ छोटा सा सामग्री ले गए, दोपहर में आए तो अपने हिसाब से फल ले गए, तीसरी बार आए तो दवाई ले गए, चौथी बार कुछ और कर लिए। तो जब इतनी बीमारी गंभीर है और इतने जरा से उससे फैल जाती है, तो फिर उसके बाद इस तरह का जो एक व्यवहार है वो शायद कहीं ना कहीं खुद रोकना पड़ेगा। शासन भी इसमें हम लोगों को कह रहा है कि एक रोको टोको अभियान करो, उसको शुरू करा रहे हैं। वो इस तरह से जागरूकता अभियान ही है, बट मेरा फिर से आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना है कि जागरूकता तो पिछले 6-8 महीने से हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो अब लोगों से यही एक बार बार अपील रहेगी, और नहीं तो फिर सख्ती के लिए तैयार है। सीधी बात ये सर, जिन लोगों की सैंपलिंग होती है वो लोग भी सर बेफिक्र होकर घूमते हैं, उनके लिए कोई सख्ती का आदेश कुछ होगा सर? सख्ती में तो देखिए, इसमें जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, यदि ऐसा कुछ लोग करते दिख रहे हैं तो फिर हम उनके खिलाफ FIR भी करेंगे, और फिर वो बात तक उनके लिए एक दुख का सबब रहेगा। तो आपके मार्फत अपील तो यही है लोगों से कि वो अपना कुछ दिन मूवमेंट रखें, कम रखें, बहुत आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें। यही व्यापारियों से भी रहेगा, वो भी उनके ग्राहक लगभग सबके फिक्स होते हैं, उनसे एक बार बात कर लें, चर्चा कर लें, उनसे अनुरोध करें कि एक ही बार सामान लेके चले जाएं। ना तो अभी कोई शादी ब्याह है, ना कुछ और हो रहा है, तीज त्यौहार भी हम लोगों को घर के अंदर मनाना है, है ना, सार्वजनिक रूप से नहीं मनाने के शासन के भी आदेश हैं। तो फिर अब ऐसी किस चीज़ की परचेजिंग करना है, इस पर एक बार थोड़ा पुनर्विचार करेंगे तो मार्केट में आने की ज़रूरत पे एक नियंत्रण और रोक ये भी लगेगी, तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा और इससे कंट्रोल होगा। सर यदि इसके उपरांत भी नहीं मानते जिला प्रशासन? बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले भी बहुत FIR बाकी करी, अभी भी करेंगे। जी सर, ठीक, थैंक यू।